नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। बुरहानपुर में रेत के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए खनिज विभाग ने सर्चिंग अभियान चलाया। खनिज विभाग के अमले ने कई घाटों पर छापा मारते हुए डंपर और ट्रैक्टर ट्राली पकड़ी। खनिज अधिकारी कुलदीप जैन सबसे पहले जैनाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने रेत का अवैध उत्खनन कराते हुए दो ट्रैक्टर ट्राली जब्त की। इसके बाद देवतलाई में भी दो ट्रैक्टर ट्राली और एक डंपर अवैध उत्खनन करते हुए पकड़े गए। खनिज विभाग ने दीपक गायकवाड़, राघव सिद्धार्थ, फरीद और अख्तर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने खनिज विभाग को अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद खनिज विभाग के अमले ने छापामार कार्रवाई की। कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अवैध रेत के अवैध उत्खनन की परिवहन की शिकायत आ रही थी, तो आज सुबह से खनिज अमले ने कार्रवाई की है, जिसमें कि तीन ट्रक ट्रैक्टर ट्राली बहुत एरिया से पकड़ी है और दो ट्रैक्टर ट्राली जैनाबाद क्षेत्र से रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ी गई है। उनके केस बनाकर कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा, उसमें जो भी निर्णय करेंगे कलेक्टर। बुरहानपुर से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।